डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के सियासी खेमे दरक रहे हैं? क्योंकि ये सवाल बड़ा वाजिब हो जाता है बीजेपी को लेकर भी, एनडीए को लेकर भी और महागठबंधन को लेकर भी, क्योंकि इनके सहयोगी दलों में दोस्ती दरक रही है। सवाल जेडीयू बीजेपी की दोस्ती को लेकर अक्सर उठता है कि क्या जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती टूट जाएगी? और विभिन्न परिस्थितियों में जब बिहार की राजनीति की स्थितियां और परिस्थितियां बदलती है तो सवाल महागठबंधन को लेकर भी उठने लगता है कि क्या महागठबंधन में जो सहयोगी दल हैं वो आरजेडी का साथ छोड़ देंगे, महागठबंधन से अलग हो जाएंगे? और लगातार ऐसे संकेत मिलते रहे हैं। अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने ये संकेत दिए हैं कि 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अपने दम पर लड़ सकती है। और खुद बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने यह संकेत दिए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, उन्होंने भी यह संकेत दिए हैं। लगातार खबरें आ रही हैं और हमारे एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्यूष ने भी बातचीत की है जीतनराम मांझी से। इस बातचीत में उन्होंने क्या कहा है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। सुनिए क्या कहा है जीतनराम मांझी ने। कि महागठबंधन के लोग बैठ करके उनको नेता नहीं चुना, वो जद राजद के लोग अपना नेता उनको चुने हैं। आज अगर हमको लोग नेता चुन ले, अब हम कहें कि साहब हम बिहार का नेता हैं, तो गलत होगा ना। तो हमारे एडिटर इन चीफ से बातचीत करते हुए साफ तौर पर जीतनराम मांझी ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नहीं आए सदन में, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अपरिहार्य कारणों से कई बार ऐसा होता है और मैं चाहता हूं कि तेजस्वी यादव नेता रहें, लेकिन हम अपनी पार्टी के नेता हो सकते हैं, महागठबंधन का नेता तो तय होगा, बैठ कर तय होगा। और तमाम तरह की बातें जीतनराम मांझी कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, कम से कम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को। और जाहिर है भले ही जीतनराम मांझी जो भी कह रहे हों, लेकिन उनके बयानों का मतलब आप समझ सकते हैं, पहले भी वो इस तरह के बयान देते रहे हैं और इसी को संकेत माना जा रहा है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन टूट सकता है। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी, जो अक्सर तेजस्वी यादव की परिपक्वता पर सवाल उठा देते हैं, उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा देते हैं, उनके राजनीतिक अज्ञातवास पर सवाल उठा देते हैं, कभी सीटों को लेकर महागठबंधन में मुश्किलें खड़ी कर देते हैं आरजेडी की, और अब ये संकेत उन्होंने दिए हैं तो जाहिर है इन संकेतों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अपना महत्व है इन संकेतों का और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहां एनडीए को लेकर यह सवाल लगातार उठ रहा है कि बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती टूट जाएगी, वही सवाल महागठबंधन को लेकर भी उठने लगा है जीतनराम मांझी के इन संकेतों और इन बयानों के बाद कि क्या 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन भी टूट जाएगा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महागठबंधन से अलग हो जाएगी। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।